भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच का तीसरा दिन पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा। अगर ये कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। अगर ऋषभ पंत को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने क्रीज पर जमने की कोशिश भी नहीं की। विराट कोहली एक छोर पर खड़े रहकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी एक अच्छे स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट करने में नाकामयाब रहे। जी हाँ, भारत की पहली पारी सिर्फ 223 रन पर सिमट गई थी। जवाब में साउथ अफ्रीका 210 रन पे ऑल आउट हो गया और भारत को 13 रनों की मामूली सी बढ़त मिली। उसके जवाब में भारतीय टीम जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल क्रीज पर टिक ही नहीं पाए। केएल राहुल 22 गेंदों में 10 रन बनाकर मार्को जैनसन को अपना विकेट दे बैठे। वहीं मयंक अग्रवाल ने 15 गेंदों का सामना किया और कसिगो रबाडा को अपना विकेट थ्रो करके चले गए। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने थोड़ी देर तक क्रीज पर पैर जमाने की कोशिश की। दोनों के बीच थोड़ी सी साझेदारी भी हुई, लेकिन पुजारा 33 गेंदों में 9 रन बनाकर एक बार फिर से फेल हुए। उनके बाद अजिंक्य रहाणे आए, जिन्होंने सिर्फ 9 गेंदों का सामना किया और 1 रन बनाकर वो भी कसिगो रबाडा को अपना विकेट देकर पैवेलियन लौट गए। विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जहां विराट कोहली गेंदों को छोड़ रहे थे और क्रीज पर जमे रहने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत लगातार स्कोरबोर्ड को गति दे रहे थे। विराट कोहली ने 143 गेंदों का सामना किया, 29 रन बनाए, 4 चौके जिनमें शामिल हैं। विराट और ऋषभ के बीच 94 रनों की बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसकी वजह से टीम इंडिया 198 का स्कोर हासिल कर पाई। आपको बता दें कि राहुल ने 10, विराट कोहली ने 29 और ऋषभ पंत ने 100 रन बनाए। इनके अलावा किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं किया है। विराट कोहली के आउट होने के बाद रविचंद्रन अश्विन आए, जिन्होंने 15 गेंदें खेली और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह नियमित अंतराल में आउट होते रहे। अफ्रीका की तरफ से कसिगो रबाडा ने 17 ओवर में 3 विकेट हासिल किए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 53 रन खर्चे हैं। डुआने ओलिवर ने 10 ओवर में 38 रन दिए, उन्हें कोई सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने प्रेशर क्रिएट करने में काफ़ी हद तक मदद की। मार्को जैनसन, जिन्होंने 20 ओवर फेंके 36 रन देकर 4 बड़े विकेट ले गए वो। लुंगे गिडी, जिन्होंने सही टाइम पर आकर विराट कोहली का विकेट लिया, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन और फिर शार्दुल ठाकुर का विकेट लिया अपने एक ही स्पेल में। उन्होंने 14 ओवर फेंके, कुल मिलाकर 21 रन दिए और 3 विकेट। केशव महाराज ने 7 ओवर फेंके, 33 रन खर्चे, उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। कुल मिलाकर भारत की दूसरी इनिंग 198 रन पर सिमट गई और 13 रन की मामूली बढ़त के चलते भारत को 211 रनों की लीड मिली और दक्षिण अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 212 रनों की जरूरत थी। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एडम मार्करम और डीन एल्गर बैटिंग की शुरुआत करने आए, बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए। एडम मार्करम लगातार तेज शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे। 22 गेंदें खेली उन्होंने और 16 रन बनाकर आउट हुए। शॉट खेलने की कोशिश में सेकंड स्लिप पर खड़े केएल राहुल के हाथों मोहम्मद शमी ने उनको कैच आउट करवाया। उसके बाद डीन एल्गर और कीगन पीटरसन ने टिककर बल्लेबाजी की और अंत तक भारतीय गेंदबाजों को परेशान करके रखा। 96 गेंदों का सामना किया डीन एल्गर ने, 30 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दूसरी तरफ कीगन पीटरसन, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में भी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 72 रन बनाए थे उन्होंने, वो अभी भी क्रीज पर हैं और लगातार भारतीय बल्ले गेंदबाजों को इरिटेट कर रहे हैं। 61 गेंदों का सामना करते हुए 48 के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 101 रन पर 2 विकेट। अभी भी दक्षिण अफ्रीका के पास 2 दिन का खेल बचा हुआ है। ये तो तय है कि इस मैच का कुछ ना कुछ डिसीजन तो निकलेगा और इस वक्त तक की हालत देखें अगर दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। विनिंग प्रेडिक्टर 91% दक्षिण अफ्रीका की तरफ और सिर्फ 9% भारतीय टीम की तरफ नजर आ रहा है। भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर से निराश किया। हालांकि हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की तेज पिचों में भारतीय बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, रबाडा और मार्को जैनसन जैसे गेंदबाजों का सामना करने में, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज भी तो उन्हीं पिचों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और चौथी पारी में तो और भी मुश्किल कंडीशन हो जाते हैं। कुल मिलाकर बल्लेबाजों से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उन पर खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बुमराह, शमी, शार्दुल और उमेश यादव किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं चौथे दिन।
एडम मार्करम और डीन एलगर दोनों सलामी बल्लेबाज पैवेलियन जा चुके हैं। अफ्रीका का स्कोर 29.4 ओवर में 101 पर दो खिलाड़ी आउट। अभी भी राशि वनडे ड्यूरेशन टेम्बा बबूमा, काइली वेरियन, मार्को जेंसन, कसिको रबाडा, केशव महाराज, डुआने ओलिवर, ओलुंगी एंगीडी का आना बाकी है। अब देखना दिलचस्प होगा किस तरीके की गेंदबाजी देखने को मिलती है भारतीय टीम की तरफ से। क्या विराट कोहली की टीम साउथ अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज दर्ज कर पाएगी या एक बार फिर से मायूसी का सामना करना पड़ेगा। सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ ANP टाइम्स की रिपोर्ट।